उधर राहुल गांधी राजस्थान की राजधानी जयपुर यानी विद्याधरनगर स्टेडियम में कांग्रेस की किसान रैली को संबोधित करेंगे। जयपुर एयरपोर्ट से राहुल गांधी सीधे रैली स्थल पर पहुंचेंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार राजस्थान आ रहे हैं, इसलिए राहुल का यह दौरा कांग्रेस और सरकार के लिए खास माना जा रहा है। इस रैली के जरिए राहुल राजस्थान में कई किसान कर्ज माफी को उपलब्धि के तौर पर पेश करेंगे। माना जा रहा है कि किसान रैली में राहुल गांधी का भाषण पूरी तरह लोकसभा चुनाव के सियासी रंग में रंगा हुआ। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं विद्याधर नगर स्टेडियम, जहां हमारे संवाददाता विवेक सीधे हमसे जुड़े हुए हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी है और हालात वहां पर अभी क्या है, क्योंकि राहुल गांधी थोड़ी ही देर में जयपुर पहुंचने वाले हैं, फिलहाल स्टेडियम में क्या कुछ रंग रौनक देखी जा रही है? हेलो, ये जो लोग पीछे से आ रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है, आज राजस्थान की राजधानी स्टेडियम से अध्यक्ष राहुल गांधी जो रैली के जरिए राजस्थान में लोकसभा चुनाव की शुरुआत करेंगे। पीछे तक पहुंचे स्टेडियम में आयोजित इस रैली में बड़ी संख्या में किसान यहां पर मौजूद रहे। हालांकि तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों में जिस तरह कांग्रेस को सत्ता मिली है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी काफी उत्साहित है। कांग्रेस पार्टी की नजर देश में होने वाले लोकसभा चुनाव पर है, जिसी के जरिए ये माना जा रहा है कि किसान रैली का आयोजन किया जाए। किसान रैली में तमाम कांग्रेसी नेता एक मंच पर नजर आएंगे। इसके साथ ही किसानों की समस्याओं को भी राजस्थान के जरिए जो है केंद्र तक पहुंचाएंगे। माना जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी या किसानों की कर्ज माफी के साथ ही यूरिया में किसानों को हो रही देरी और एमएसपी दामों पर जो है किसानों की तमाम मुद्दे को भी इस मंच यहाँ से उठाएंगे और केंद्र सरकार को घेरने का काम करेंगे। साथ उनसे पूछेंगे, एक बड़ी रैली यहाँ पर आयोजित की जा रही है, किसानों को यहाँ एक मंच पर लाएंगे, क्या मकसद इसके पीछे माना जाए? देखिए, जैसा कि आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने 5 साल पहले जब सत्ता में नहीं थे तब उससे पहले किसानों से वादा किया कि आपको लागत का 50% लाभांश दिया जाएगा और किसानों की जुर्म माफी की बातें करें, लेकिन वो सिर्फ पूरी और जुमले साबित हुई, जनता के साथ धोखा किया गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी पूरे देश में जो किसानों ने हाहाकार मचा रखा है और पूरे देश में किसानों ने जो आत्महत्याएं करी, तो राहुल गांधी जी की सोच है कि हमारा जो धरती पुत्र है, हमारा जो अन्नदाता है, वो सक्षम हो, सुदृढ़ हो। इसीलिए उन्होंने किसानों की जो आवाज है वो जोर शोर से उठा रखी है और किसानों के मसीहा बनकर वो काम कर रहे हैं। हमने जो वादा किया था राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, राहुल जी ने वादा किया था कि किसानों का 10 दिन में कर्जा माफ होगा, तो उसी के तहत राजस्थान में किसानों की ऋण माफी की जो खाका तैयार हो गया, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में तीनों जगह किसानों की ऋण माफी की जो 10 दिन के अंदर बात करने की बात की थी, हमने 10 दिन पहले किसानों की ऋण माफी की घोषणा कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। तो राहुल जी की सोच एक विस्तृत सोच है, वो चाहते हैं कि हमारे देश का जो अन्नदाता है, जो धरती पुत्र जिसकी वजह से देश मेरा चल रहा है, वो धरती पुत्र सक्षम और सुदृढ़ बने और उसकी जो पीड़ा है वो कहीं ना कहीं दूर होने की कोशिश में वो लगे हुए हैं। और राजस्थान में जिस तरीके से यूरिया की किल्लत है कि केंद्र सरकार यूरिया को यहाँ पर सप्लाई नहीं कर रही, रोक रही है, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, तो ये एक राजनीतिक द्वेष जो किसानों के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है इसके खिलाफ पुरजोर आवाज उठाई जा रही है। और चूंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है, इसका एक जनता का आभार और धन्यवाद भी है। और किसानों के लिए जो कांग्रेस की सोच है कि किसानों के हित के लिए जो राहुल जी आवाज उठा रहे हैं, माना जा रहा है किसान रैली के जरिए लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत कांग्रेस पार्टी विद्याधरनगर स्टेडियम से करने जा रही है। देखिए, पहले जैसे उपचुनाव हुए थे लोकसभा के अलवर और अजमेर में, दोनों उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी थी, तो जनता को कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो गया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धोखा करती है, झूठ बोलती है, जुमले गढ़ती है, लेकिन काम नहीं करती। काम धरातल पर काम करने से जनता का हित होता है, ना कि जुमले गढ़ने से। तो जनता ने उनको उपचुनाव में भी आईना दिखा दिया और अभी राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया है कि झूठ और जुमलों से काम नहीं चलता, काम करने से काम होता है। और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने जो अपना घोषणा पत्र बनाया उसके तहत हम काम करने में भी बहुत त्वरित गति से जो काम की रूपरेखा तैयार की जा रही है कांग्रेस सरकार की तरफ से की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता ने आईना दिखाया और अब पूरे देश की जनता आईना दिखाएगी
झूठ और जुमलों को आईना दिखाएगी कि झूठी सरकार नहीं चाहिए, जुमले वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें वो सरकार चाहिए जो धरातल पर काम करे। और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश हित में काम किया है, जनता के हित में काम किया है। कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, किसानों की कर्ज माफी की घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर दी है, अब क्या ये माना जाए इसी मन से राहुल गांधी कर्ज माफी का क्या रोड मैप होगा राज्य सरकार का, वो यहाँ से बताएंगे। देखिए निश्चित रूप से हम राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीते हैं, हमारी सरकार यहाँ पर बनी है और आगे आने वाला लोकसभा चुनाव भी हम जीतेंगे। और राहुल जी की जो ये रैली है ये लोकसभा चुनाव का आगाज भी होगा, इसमें कोई दुराय नहीं है। और जनता देखिए भलीभांति समझ गई, वो भारतीय जनता पार्टी कुराज और कुशासन से इतना इस तरीके से त्रस्त है कि सरकार जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था तो एक ऐसी तानाशाह सरकार थी जिसमें मुख्यमंत्री मंत्रियों की नहीं सुनती थी, मंत्री विधायकों की नहीं सुनते थे और विधायक जनता की नहीं सुनते थे। तो जहां सुनवाई नहीं हो, जहां किसी की पीड़ा को सुना नहीं जाए, समझा नहीं जाए, वहां निश्चित रूप से जनता ने उस सरकार को बर्खास्त किया और कांग्रेस पार्टी का शासन सत्ता में आया है। और हम इसमें लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से विजयश्री हासिल करेगी। बिल्कुल, किसान रैली के जरिए माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जहां अपने लोकसभा चुनावी अभियान की शुरुआत करेगी, इसके साथ ही राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों की कर्ज माफी की घोषणा कर दी थी, लेकिन उसका रोड मैप क्या होगा ये माना जा रहा है कि इसी रैली के जरिए जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रोड मैप भी बता सकते हैं कि किसानों की कर्ज माफी जो की जाएगी, सरकार का क्या पैमाना होगा और क्या नजरिया सरकार का होगा। लेकिन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह यहां पर देखा जा रहा है, प्रदेश के कोने कोने से किसान जो इस रैली में यहाँ जमा होंगे, किसानों का आना अल सुबह से यहाँ पर शुरू हो गया था, तमाम जिलों से जो कांग्रेस के नेता हैं उनको किसानों को रैली में लाने का जो है जिम्मा यहाँ पर सौंपा गया है। ये माना जा रहा है कि करीब 12:30 बजे जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचेंगे तो तमाम ये स्टेडियम जो है किसानों से खचाखच भरा नजर आएगा, क्योंकि प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और कांग्रेस पार्टी अब यहाँ अपना समर्थन दिखाना चाहती है कि आखिर विधानसभा चुनावों के बाद जो है लोकसभा चुनाव है कितनी तैयारी जो है कांग्रेस पार्टी की राजस्थान में है, क्योंकि 25 लोकसभा सीट राजस्थान में है और कांग्रेस पार्टी की नजर अब तमाम सीटों पर है कि 25 की 25 सीट यहां पर जीत कर जो है केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाई जाए और कांग्रेस को मजबूत किया जाए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इसी सिलसिले में आज जो है राजधानी जयपुर आ रहे हैं और जयपुर से यहां किसानों को संबोधित करेंगे। किसानों को संबोधन के दौरान न सिर्फ किसानों की कर्ज माफी जो 3 राज्यों में की गई है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, यहां पर तमाम कर्ज माफी की घोषणा सरकार बनने के साथ ही जो घोषणा पत्र में वादा किया था वो कांग्रेस ने पूरा कर दिया है, अब उसका रोड मैप क्या होगा। इसके साथ ही राहुल गांधी ये भी मांग करेंगे कि अब राज्य सरकारों में जो 3 राज्यों में जो कर्ज माफी किसानों की गई है अब केंद्र सरकार भी किसानों की कर्ज माफी करे। इसके साथ ही यूरिया मिलने में जिस तरह की तकलीफें प्रदेश में किसानों को सामने आ रही है उसका मुद्दा इसी मंच से उठाया जाएगा और इसके साथ ही साथ किसानों से जुड़ी अन्य समस्या यहां पर होगी। MSP दर पर जो किसानों की फसल खरीद होती है उसमें जिस तरह की लापरवाही सामने आती है या जिस तरह का रुख राज्य सरकार का बीती भाजपा सरकार का रहा है वो रुख यहां पर बदले और किसानों को MSP दर पर उनकी फसल का पूरी खरीद हो, ऐसे तमाम मुद्दों को ये माना जा रहा है इस मंच से राहुल गांधी यहां उठाएंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए जो है यहां पर उनकी स्थिति को और मजबूत करेंगे, क्योंकि जल्द लोकसभा चुनाव राजस्थान में होने राजस्थान में इससे पहले अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की स्थिति ठीक नहीं थी, 25 की 25 तमाम लोकसभा सीटें जो है भाजपा के पाले में गई थी और इस बार कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तमाम 25 सीटें राजस्थान में जो है कांग्रेस पार्टी के पाले में जाए जिससे केंद्र में कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिले और राहुल गांधी को जिस तरह से प्रधानमंत्री बनने का सपना जो कांग्रेस पार्टी देख रही है वो सपना भी पूरा किया जा सके। जी विवेक, ऐसा क्या है कि राहुल गांधी को सबसे पहले जब 3 राज्यों में जीत हासिल हुई है राजस्थान का ही चुनाव राहुल गांधी ने किसान रैली के लिए क्यों किया? अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कर्ज माफी के लिए राहुल गांधी या कांग्रेस सरकार का ऐलान था, वहां पर भी किसानों की वही स्थिति जो राजस्थान में वर्तमान में है, तो फिलहाल राजस्थान का चुनाव राहुल गांधी के द्वारा क्यों? को देखिए राजस्थान का जो चुनाव है राजस्थान की जनता का मूड है, हर बार यहाँ पर ये देखा जाता है कि विधानसभा चुनाव में एक बार भाजपा और दूसरी बार जो है कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनती आई है
ठीक इसी बार भी यही कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस जहां पर राजस्थान में भाजपा मौजूदा सरकार भाजपा की थी, तमाम में कयास लगाए जा रहे थे कांग्रेस की सरकार होगी, लेकिन भाजपा पुरजोर अपनी कोशिशों में लगी थी और भाजपा दावा कर रही थी कि लगातार जिस तरह का राजस्थान में सरकार बदलने का जो पैटर्न चला आ रहा है, इस बार वो बदलाव जो है वो कहीं नजर नहीं आएगा, फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। लेकिन किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा प्रदेश में हावी रहा, कांग्रेस पार्टी ने इसे मजबूती से उठाया, सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और उसी का नतीजा यह देखने को मिला कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है, न सिर्फ राजस्थान में इसके अलावा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, विधानसभा चुनाव में जीत हासिल हुई। राजस्थान के अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो राजस्थान में 99 सीटें जो है कांग्रेस पार्टी की विधानसभा चुनाव में सामने आई है, हालांकि बहुमत का आंकड़ा जो है 101 था वो कांग्रेस पार्टी छू नहीं पाई है, लेकिन बसपा और अन्य जो बागी प्रत्याशी कांग्रेस के थे वो जो जीत कर आए हैं उनके समर्थन से यहाँ पर जो है सरकार कांग्रेस की राज्य में बन गई है। हालांकि जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति जो है विधानसभा चुनाव में काफी मजबूती के रूप में भी नहीं उभरी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में 25 सीटें जो है राजस्थान में है और कांग्रेस पार्टी की नजर अब तमाम उन 25 लोकसभा सीटों पर है, क्योंकि इससे पिछले अगर लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो कांग्रेस पार्टी को करारी हार यहाँ पर मिली थी, तमाम 25 सीटें जो है वो भाजपा के सांसद यहाँ पर बने थे और करारी शिकस्त जो है भाजपा ने कांग्रेस को यहाँ दी थी, लेकिन कांग्रेस अब ये बदलाव यहाँ भी देखना चाहती है, जो विधानसभा चुनाव में जिस तरह का बदलाव यहाँ पर हुआ है कांग्रेस पार्टी चाहती है कि लोकसभा चुनाव में भी ठीक ऐसा ही बदलाव यहाँ पर हो और तमाम 25 सीटें कांग्रेस जो प्रत्याशी होंगे वो यहाँ जीत करके आए, जिससे केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने और तमाम जिस तरह के वादे जो जनता से कांग्रेस पार्टी कर रही है, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ओर से जो वादे किए गए थे, जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था, हालांकि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ पर सौंप दिया और साफ तौर पर कह दिया है कि यही नजरिया कांग्रेस सरकार जो बनी है उसका होगा, राज्य सरकार जो है इन्हीं मुद्दों को प्राथमिकता में ध्यान रखकर के काम करे, क्योंकि जो वादे जनता से किए थे उन वादों को 5 साल में पूरा करना कांग्रेस पार्टी की नैतिक जिम्मेदारी है। तो जरूर माना जा सकता है कि उसी घोषणा पत्र के जरिए अब कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ेगी और किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर जिस तरह की सफलता 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी को मिली है, ऐसी सफलता कांग्रेस पार्टी फिर चाहती है कि किसानों की समस्याओं के मुद्दे के जरिए ही जो है लोकसभा चुनाव साधा जाए और यही आज यही मंच पर यही नजर आएगा, जहां पर राहुल गांधी जो है इसी मंच से तमाम किसानों की समस्याओं को साझा करेंगे, न केवल उनके मुद्दों को उठाएंगे लेकिन केंद्र सरकार को घेरने का काम करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि लगातार अब कांग्रेस पार्टी के निशाने पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हैं, तमाम मोदी की जितनी कार्यशैली जो उनकी रही है, तमाम जो योजनाएं जो वादे जनता से किए उनके उसी वादों को सहारे जो है कांग्रेस पार्टी उनको घेरने का काम करे और एक बार फिर आज जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम जो है इसका गवाह बनेगा, जब कांग्रेस के तमाम नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर कटघरे में खड़ा करेंगे, किसानों की समस्या हो चाहे जनता से जुड़े तमाम मुद्दे हो वो तमाम मुद्दे इस मंच से यहाँ पर नजर आएंगे। हालांकि किसान रैली का नाम इसको दिया गया लेकिन पूरी तरह से राजनीतिक मंच नजर आएगा, क्योंकि जल्द लोकसभा चुनाव होने हैं और किसानों के जरिए अब कांग्रेस पार्टी एक बार